हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर, वो भी ढाबे स्टाइल की पनीर। तो उसके लिए मैंने कुछ पनीर लेकर फ्राई कर लिए हैं, ऊपर से थोड़े बर्न कर लिए हैं और नीचे से उसको सॉफ्ट रहने दिया है। और इसी के साथ मैंने पालक बॉईल करके उसको चमचे से ही थोड़ी मैश कर ली थी। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है बहुत ही अच्छे से, एकदम पतली कंसिस्टेंसी के साथ। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में कुछ रॉ हम गरम मसाले, खड़े मसाले डाल लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी रखेंगे लेकिन आपको लगेगी बहुत टेस्टी, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा धीमे आंच पे इन मसालों को भून लेना है, थोड़े से ब्राउनिश दिखने लगे। जैसे आपको दिख रहा होगा मेरी इलायची ब्राउन सी दिख रही है। अब मैंने थोड़ा सा इसमें काली मिर्च डाल दिया है, जीरा डाल देंगे थोड़ा सा। उसके बाद मैंने बहुत ही बारीक चॉपर से एकदम, ना कि ग्राइंड स्टाइल ना कि चॉप, इसका बीच का मैंने प्याज को चॉपर से चॉप कर लिया है बहुत ही बारीक, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ी रॉनेस आएगी सब्जी में। अब आपको बताया कि हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। इसी के साथ अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कम है ऑयल, लेकिन हमें ब्राउन करने के लिए सफिशेंट था ऑयल, तो हमने ये ब्राउन कर लिया है। आप हमेशा कोशिश करें कि कभी भी जब आप प्याज को भूनें तो उसे ढकें ना, क्योंकि ढकेंगे आप तो उसमें कचान जैसी रहेगी हमेशा। ये मैंने इसमें होममेड जो मैं टमाटो प्यूरी बना के रखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे डिशेस बनाती हूँ तो मुझे लगती रहती है, कभी हुआ तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको पता है कि मैं अच्छे से भूनूंगी इसको। उसके बाद हमने टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे वो अच्छी तरह पक जाए और वो तेल छोड़ना जल्दी से स्टार्ट कर दे। तो अब बस इसको भूनना है और इसका तेल छोड़ने का हमको वेट करना है। कोई भी मसाला गाइस हमेशा धीरे आंच पे अगर आप भूनेंगे तो हमेशा अच्छा भुनेगा और उसका स्वाद अलग आएगा, हमेशा अच्छा आएगा। आप जल्दी में मसाला भूनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, है ना। थोड़ा इत्मीनान लें, हमेशा किसी भी रेसिपी को अगर आप वक्त देंगे तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, ठीक है। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे टमाटर ने, मसाले ने छोड़ दिया है तेल। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, आपको लाल मिर्ची इसी वक्त डालनी है। मेरे यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं उनके बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं, तो मैं मिर्ची बाद में डालूँगी। यहाँ मैंने कुछ थोड़ा सा धनिया डाला है, 2 टीस्पून करीबन। ये मेरी जो मसालदानी की जो छोटी छोटी चम्मच है वो टीस्पून बराबर है नॉर्मल, और मैं इसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझे अंदाज़ा रहता है कि मैंने ज़्यादा तो नहीं डाला है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं गरम मसाले की ओर। बस ये हमारा फाइनल टच है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, जो हमने पेस्ट ग्राइंड किया था, कितना इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ढाबा स्टाइल के पालक पनीर को बनाने की, तो आप भी ट्राई करिए। अब देखिए इसमें बॉईल आ रहा है। हाँ जी, अब यही मौका है, अब इसमें बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा क्रीम और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिला के उसको घोट के और उसको कर देंगे बंद। तो इस रेसिपी को बिल्कुल ट्राई आपको करना है घर में। फिर उसके बाद जो हमारा एंड स्टेप होगा, जो कि हमने पनीर, आपको पता है, पहले ही फ्राई करके रख लिए थे। हमने पनीर पहले इसलिए फ्राई करके रखे थे क्योंकि हमने वही तेल और वही कढ़ाई यूज़ करनी थी। तो ये कुछ छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं जो एक गृहणियाँ यूज़ करती हैं, तो आप भी ज़रूर करिए। इससे थोड़ी बचत भी होती है और आपको आइडिया भी लग जाता है बनाते बनाते कि कौन सी चीज़ें, और आपकी मेहनत और एनर्जी भी बचती है। तो प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करिए। आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियोस डालती हूँ और आप लोग देखेंगे तो यही मेरा मोटिवेशन रहता है। तो इसको अब मैंने ढक कर, ये रेसिपी हो चुकी है, अब हम बस इसको प्लेट में सर्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।